नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपको भी लगता है कि केवल कैल्शियम खाना आपकी हड्डियों के लिए काफी है? क्या कैल्शियम खाने से आपकी हड्डियाँ फिट रहेंगी? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और आज मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज हमारे शरीर की बात होगी जिसमें कैल्शियम की चर्चा होगी। जी, कहते हैं कैल्शियम फॉर बोन्स। हाँ जी, जरूरी है। तो क्या सिर्फ कैल्शियम से ही हमारे शरीर को मजबूत रखा जा सकता है या फिर कुछ और भी चीजें हैं जिससे कि हमारे बोन्स को मजबूती दी जा सकती है? बहुत अच्छा विषय लिया। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि हमारी हड्डियाँ जो है वो लगता है शायद कैल्शियम से ही बनी हुई है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, हमारी हड्डियाँ केवल कैल्शियम से नहीं बनी हैं। और कैल्शियम तो एक मुख्य उसमें एक कंपोनेंट होता है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि केवल कैल्शियम ही होता, क्योंकि मैंने देखा है लोग कैल्शियम ही खाते रहते हैं, उसमें से 60-70% तो बोन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स होता है। और हड्डियों में 10-20% वाटर कॉन्टेंट भी होता है, ये आपको शायद नहीं मालूम होगा इसका। इसके अलावा कोलाजन होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी जो है सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं कुछ, वो भी हड्डियों को बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यदि हमें अपनी हड्डियों को मजबूत रखना है तो हमें प्रॉपर कंप्लीट डाइट पर फोकस करना चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। और डाइट के साथ साथ जो पोषण आप ले रहे हैं वो पचना भी चाहिए, बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, हड्डियों तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा उसका। यदि कैल्शियम आप ले रहे हैं और वो पच ही नहीं रहा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास कि जी मैं पिछले 5 साल से कैल्शियम ले रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से कैल्शियम ले रहा हूँ, अभी भी मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, ऑस्टियोपेनिया और ज़्यादा नेक्स्ट स्टेज में बीमारी चली गई। तो यदि केवल कैल्शियम ही आवश्यक होता तो ये लोग तो ठीक हो जाते और हड्डियाँ इनकी मजबूत हो जाती, लेकिन हड्डियाँ मजबूत नहीं हुई। और हड्डियों को और मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए लुब्रिकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बार बार जो हम आपको कहते हैं तेल से मालिश करिए, तिल का तेल लगाइए, इसका क्या पर्पज़ है? क्योंकि लुब्रिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हैं तो वो भी बॉडी में आपके जोड़ों तक पहुँचने तो चाहिए, उसको वहाँ पहुँचेंगे नहीं तो उसका फ़ायदा क्या। और कभी कभार आपको जो है डिटॉक्स भी करना चाहिए बॉडी को, पंचकर्म हमेशा करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। और कभी रसायन सेवन भी करना चाहिए, जो आपकी बॉडी के अंदर जो धातु हैं, जो ओजस है, उसको बढ़ाने के लिए आपको, तभी आपकी हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत रहेंगी। तो यदि हड्डियों को मजबूत बनाना है तो आज ही आप जीवा से जुड़ जाइए और ये जो विषय हमने लिया है इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से बताएंगे। किसी तरह की भी आपकी बोन्स की प्रॉब्लम हो, हड्डियों की प्रॉब्लम हो, जोड़ों की प्रॉब्लम हो, या शरीर के किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई भी आपको परेशानी हो, माइंड में प्रॉब्लम हो, सब समस्याओं का समाधान आयुर्वेद में मिलता है। और उसके लिए आपको हम कहना ये बार बार यही कहना चाहते हैं आपसे कि एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात सुनिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं हज़ारों लोग, सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग सब दवाइयाँ बता रहे हैं, सब चिकित्सा बता रहे हैं। उनसे पहले देख तो लो वो कहीं कहाँ से पढ़ाई किया है, उन्होंने आता है कुछ, उनको नहीं आता है। केवल अपने आप को थोड़ा सा ऐसा दिखाना कि मैं इसका एक्सपर्ट बन गया हूँ वो काफ़ी नहीं होता। एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से के पास जाएं, अगर आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहे हैं, एलोपैथिक कर रहे हैं तो सर्टिफाइड एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए। समीक्षा जुड़ गई हैं अब दिल्ली से। समीक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। मैम, मेरे ना बहुत ज्यादा ना पिंपल्स रहते हैं। तो पिंपल्स कब से हो रहे हैं? ये सर जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाती है वैसे फेस बहुत ज्यादा पिंपल्स ऐसे भर जाता है, कुछ भी खाती हूँ तो उससे पिंपल्स निकल जाएगा। हाँ, तो देखिए आपने उत्तर तो स्वयं ही दे दिया कि जैसे गर्मी बढ़ जाती है। तो हम तो यही बार बार समझाते हैं कि भाई जो भी त्वचा के रोग हैं गर्मी से होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि गर्मी के मौसम में भी हम गर्म चीज़ें खाते रहते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं। तो पहले तो उसको बंद करिए, आपको खुद ही मालूम है गर्मी में होता है, गर्मी से बढ़ता है। दूसरा जो है एक बार जीवा में आप संपर्क कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, नीम का सिरप बहुत अच्छा है हमारा,
नीम का फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, एक अलॉय मिंट फेस वॉश है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे हैं और नेचुरल हैं। कई प्रकार के उबटन हैं, नीम का मड पैक भी बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो एक्सटर्नल भी आपको जो लगाना है वो नेचुरल हो, जीवा से ले लीजिए, और इंटरनल के लिए एक बार हमारे डॉक्टर से बात कर लीजिए ताकि जो रूट कॉज है उसको हम अच्छी तरह से उसका उपचार कर सकें। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करें, डाइट में किस तरीके का भोजन लें? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट आपको लेनी चाहिए और जो भी आप लें वो पचना चाहिए। ये तो आप रूल बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए आप, क्योंकि पचेगा नहीं जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, पचेगा नहीं तो आम बनेगा, आम बनेगा तो अनेक प्रकार के रोगों को आपके शरीर में पैदा करेगा। डाइट में अच्छी क्वालिटी का दूध आप पी सकते हैं, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, पनीर का सेवन करिए, दही का सेवन कर सकते हैं, छाछ मक्खन का सेवन कर सकते हैं, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, जैसे पालक, मेथी का सीजन है तो मेथी, बथुए का सीजन है तो बथुआ, उसका सेवन कर सकते हैं, इससे भी हड्डियाँ हमारी मजबूत होती हैं। और हड्डियों के लिए जो आप प्रोटीन भी आवश्यक है, हमने पहले बताया, वो भी एक कंपोनेंट है, तो दालों का सेवन भी करें, मूंग चना का स्प्राउट्स बना करके आप खा सकते हैं, भीगे हुए बादाम और अखरोट आप खा सकते हैं, और कैल्शियम के अलावा आपको सुना होगा आपने विटामिन डी भी चाहिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा धूप का सेवन भी करना चाहिए, सनलाइट में आपको जाना चाहिए, थोड़ी देर आधा पौना घंटा वॉक करें, बैठें, योगा कर लीजिए। कुछ ऐसे और मिनरल्स भी हैं जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, ये भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सफ़ेद तिल को आप थोड़ा सा रोस्ट करके उसका सेवन करें, वो भी हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से आपको व्यायाम भी करना चाहिए और तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट मैनेजमेंट। आजकल बहुत सारे पेशेंट, चाहे वो कमर दर्द के हों, चाहे गर्दन दर्द के हों, चाहे जोड़ों के दर्द के हैं, वो हम जब देखते हैं कि पहले ही दिख जाता है कि ओबेसिटी है, मोटापा है, तो वहाँ कारण, उसका मूल कारण है मोटापा। तो मोटापे को भी हमें जो है नज़रअंदाज नहीं करना है, केवल पेन किलर नहीं खाते रहिए। और आपके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें हमारे न्यूट्रिशनिस्ट जो है फ़ोन पर आपके साथ जुड़ते हैं, फ़ोन करके पता कर लीजिए, और जीवा में बहुत अच्छे ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट भी अवेलेबल हैं। केवल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसके साथ साथ योगाचार्य हैं, माइंड वेलबिंग कोचेज हैं, बहुत अच्छी टीम हमारे पास है। और अब तो हमने देखा है कि कुछ प्रोटोकॉल जो हमारे हैं, ATP प्रोटोकॉल हैं, डायबिटीज़ का प्रोटोकॉल है, स्किन का है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स इनफर्टिलिटी के, जिसमें ये 3-4 स्पेशलिस्ट आपके साथ काम करते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि केवल दवाइयों से आपका काम नहीं चलेगा, दवाइयों से आगे निकलना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे ATP प्रोटोकॉल बहुत अच्छे हैं। तो आप फ़ोन करके पूछिए, भाई ATP प्रोटोकॉल में हमें ज्वाइन करना है, बताइए क्या करें उसके लिए। जीवा का जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कितना असरदार है, इसे अपनाकर कैसे आराम पाया जा सकता है, आइए आपको केस स्टडी द्वारा दिखाते हैं। नमस्ते, मैं नीलम गुप्ता दिल्ली पर्पलगंज की रहने वाली हूँ। जब से मेरे पैरों में, हाथों में कहीं भी सूजन आ जाती है, दर्द हो जाता है, दवाइयाँ लाती हूँ, खाती हूँ, आराम लगता है, लेकिन सूजन बढ़ जाती है। जिस दिन दवाई ना खाऊँ बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक दिन मुझे मेरे योगा की टीचर मिली, उन्होंने मुझे बोला कि आप इतने परेशान हो तो एक बार जीवाग्राम में ज़रूर दिखाओ। जीवाग्राम के डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे को 10-12 दिन पंचकर्मा की थेरेपी लेनी पड़ेगी, और उसमें मेरी थेरेपी हुई भी है। जीवाग्राम में आकर मेरे को बहुत रिलीफ मिल रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से किसी को भी कोई बीमारी से ग्रस्त है या अर्थराइज से प्रॉब्लम हो रही है और आपका इलाज से कुछ भी कामयाबी नहीं मिल रही है, तो यहाँ आकर जीवाग्राम में एक बार अपना ट्रीटमेंट ज़रूर लें और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, जो पेशेंट ने आपको अभी बताया, ऐसे बहुत सारे पेशेंट जीवाग्राम में आते हैं और बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी बनती है कि आप अपने रोग के रूट कॉज को समझें, और ख़ास तौर से जो जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है हमारा, वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप जीवाग्राम नहीं आ सकते तो आप केवल फ़ोन करिए,
फोन पर ही ऑनलाइन आपके साथ हमारे सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, दवाई आपके घर आएगी और आपके साथ फॉलोअप भी ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमने किया है कि आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे आप इस प्रोटोकॉल में एनरोल करके और अपने जोड़ों के दर्द, कमर दर्द या कोई भी जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है उसका उपचार कर सकते हैं। तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जीवा मंत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जीवा मंत्र तो हम यही कहते हैं कि जीवा मंत्र का मतलब जो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित होता है उसी को जीवा मंत्र हम बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो धातु हैं इनमें अस्थि जो है उसको बोन्स हम कहते हैं। ये धातुओं का निर्माण भी जो होता है एक सीक्वेंस में होता है। जो भोजन आप सेवन करते हैं उसको पचने के बाद पहले रस धातु का निर्माण होता है, उसके बाद रक्त धातु का, और इस तरह से जो है फिर आगे उत्तरोत्तर जो धातु बनते जाते हैं। तो बोन्स का निर्माण भी इसी में होता है, हड्डियों का। तो अगर हमारे क्वालिटी ऑफ धातुज अगर अच्छी होगी, अच्छी क्वालिटी का रस होगा, अच्छी क्वालिटी के धातु बनेंगे, तो हमारी हड्डियाँ भी अच्छी क्वालिटी की होंगी। लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो पाचन की बात हमने की कि पाचन हमारा अच्छा होना चाहिए। तो जीवा में जब भी कोई हड्डियों के रोगी आते हैं तो उनकी पाचक अग्नि के मतलब पाचक अग्नि यहाँ केवल डाइजेस्टिव फायर से नहीं, जो उनकी धातु अग्नि है जहाँ पर एक्चुअली में जो पोषण जा करके बोन्स बना रहा है उसको धातु अग्नि बोलते हैं, उसको भी उसका भी उपचार किया जाता है हमारे यहाँ पर। कई बार धातु अग्नि की प्रॉब्लम होती है और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि पोषण भी ठीक है, अग्नि भी ठीक है, धातु अग्नि भी ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन गलत है। यानी कि जो पोषण है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, जो स्रोतस है हमारे जिनके माध्यम से वो ट्रांसपोर्टेशन हड्डियों तक पहुँचता है वो ब्लॉकेज हो गई वहाँ पर, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन पहुँचेगा ही नहीं तो वो भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में पंचकर्म हमारे यहाँ किया जाता है, स्रोतोशोधन उसमें किया जाता है। और इसके साथ साथ कभी कभी मन की अप्रसन्नता, जैसे आज की भाषा में डिप्रेशन हम बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, उसके कारण भी होता है, इमोशनल ट्रॉमा के कारण भी हमारा जो है पेट खराब हो जाता है, पोषण हमारा ठीक से नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए हमारे जीवा के वेलबींग, माइंड वेलबींग के कोचेज आपके साथ जुड़ते हैं। इसलिए मैंने बार बार आपको जो बता रहा हूँ ये शब्द आप एक याद कर लीजिए, जीवा का ATP प्रोग्राम, आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये इसमें डॉक्टर तो आपके साथ जुड़ते ही हमारे आयुर्वेदिक, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच और एक डेडिकेटेड हेल्थ कोच आपके साथ काम करते हैं, जो आपको कोई भी समस्या हो आपकी छोटी मोटी या कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आपके लिए वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोटोकॉल है, किसी तरह के रोग हो आपको तो ATP प्रोग्राम आप जरूर ज्वाइन करिए जीवा का। चलिए, तो सर इस बीच जुड़ गए हैं दरभंगा से राहुल। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। सर, मेरे गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। जी देखिए, गर्दन में दर्द आजकल बड़ी कॉमन समस्या हो गई, खास तौर से मैं देख रहा हूँ युवा वर्ग में। कारण है मोबाइल का प्रयोग गलत तरीके से करना। गर्दन को आगे जितना झुकाएंगे, एक आप देखेंगे कई बार वीडियो सोशल मीडिया पर भी चलती है, जितना डिग्री में घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा वजन और आपके यहाँ पर स्पाइन पर पड़ता है आपका। तो इसलिए हमेशा गर्दन को सीधा रखना है अपने। मोबाइल का प्रयोग भी करना है तो सामने रखिए उसको, इस तरह से ऐसे नहीं करना। दूसरा, ये जो टाइप करते रहते हैं कंटिन्यूसली, इससे भी यहाँ हमारी नसें खिंच जाती हैं, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल करिए। दूसरा, मालिश जरूर करिए। जीवा का पेन काम ऑयल है, पेन काम बाम है, पेन काम पोटली है, पेन काम टैबलेट भी है। पेन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप जो है थोड़ा अपना दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल, अपना डाइट अगर ठीक नहीं करेंगे तो फिर कोई भी चीज़ आपके ऊपर काम नहीं करने वाली, और करेगी भी तो टेम्परेरीली करेगी। इसलिए जीवा में फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत कर लीजिए और जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एनरोल कर लीजिए। बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल है, उसमें एनरोल कर लीजिए आप। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। कैसे मिलेगा नेचुरल मल्टीविटामिन?
बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेह रोग बताए गए हैं, तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, कैसे मिलेगा शरीर को नेचुरल मल्टीविटामिन? क्योंकि आजकल मार्केट में तो बहुत सारे मल्टीविटामिन हैं, लोग ले भी रहे हैं, बहुत लेकिन नेचुरली अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा? देखिए, सब कुछ नेचर में मिलता है, कोई घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार तो हरी सब्जियां, ताजे फल, सीजनल फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, नट्स जिसमें बादाम, अखरोट, काजू या सीड्स हमारे होते हैं, तिल के बीज हैं, पंपकिन सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के, स्प्राउट्स और आजकल मिलेट्स काफ़ी पॉपुलर हैं। ये सभी जो है मल्टीविटामिन्स के अच्छे सोर्स हैं। आजकल इन्हें सुपर फूड्स भी कहा जाता है, जैसे ब्रोकली है, चुकंदर में भी बहुत सारे मल्टीविटामिन्स मिलेंगे आपको, गाजर, पालक, संतरा, मौसमी या ग्रेप फ्रूट, यानी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, खट्टे वाले जो फ्रूट्स हैं, ये भी नेचुरल सोर्स हैं मल्टीविटामिन्स का। तो इनका सेवन करिए, और जो सिंथेटिक चीज़ें मिलती हैं, जो प्रोसेस्ड चीज़ें मिलती हैं, उनका सेवन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरल सोर्स से जो कुछ आता है वो इजीली एब्जॉर्ब भी होता है और बॉडी के साथ एक उसका एक कनेक्शन भी अच्छा बनता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर भी मिलाना होगा और अपनी सेहत के लिए कॉल रजिस्टर भी कराना होगा। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेह रोग बताए गए हैं, तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरी डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया। बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें।